श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 15 सितंबर दिन रविवार का है, तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी और प्रदोष का योग भी बन रहा है। ऐसे में इसे रवि प्रदोष भी माना जाएगा और साथ में वमन जयंती और भुवनेश्वर जयंती और गणेश उत्सव भी है। ऐसे में इस दुर्लभ योग का पूरा लाभ उठाने के लिए आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन कौन से प्रदोष के विशेष उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको प्रदोष के दिन बेलपत्र, मूंग, गुड़, शमी पत्र से किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देंगे, जिससे आप कर्ज मुक्ति के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको शादी के लिए रिश्ते आना बंद हो गए हैं या फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो मंगल विवाह के लिए किया जाने वाला और व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसे में धतूरे से संबंधित प्रदोष का एक विशेष उपाय की जानकारी देंगे। साथ ही इस वीडियो का जो तीसरा और अंतिम उपाय रहेगा, अगर आप बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं तो जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सब से बाहर आने के लिए प्रदोष के दिन किए जाने वाले एक विशेष सरल और आसान उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तीनों उपाय विशेष और उपयोगी हैं, प्रदोष की विशेष तिथि में किए जाते हैं, तो आप कोई भी एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस तिथि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा था कि प्रत्येक महीने में प्रदोष आती है, आपको एक बेलपत्र लेना है। आप एक बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं इस उपाय के अंतर्गत, या फिर 5 बेलपत्र भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक शमी पत्र, हरे मूंग के दाने, आप एक मूंग का दाना भी मिलेगा तो भी पर्याप्त है। अब आपको एक कलश के अंदर जल भर लेना है। भरे हुए जल कलश के अंदर आपको एक बेलपत्र या 5 बेलपत्र जितनी हैं आपके पास, उसे और हरे मूंग को और शमी पत्र को, तीनों को डाल देना है। इसके बाद इसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ भी डाल देना है। सभी सामग्री आपको जल कलश के अंदर डाल देना है और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए, जिस चीज़ के लिए आप उपाय कर रहे हैं, अगर कर्जा बढ़ने पर या फिर धन की कमी होने पर, व्यापार नहीं चल रहा हो या फिर एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई रिजल्ट आने वाला हो, जिसका भी आप भान करना चाहते हैं, उसको मन में स्मरण करते हुए, मन में बोलते हुए जल कलश की सभी सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। जब सभी सामग्री आप अर्पित कर देंगे तो आपको इसके बाद एक कलश जल भी शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर यह उपाय करना है। आप चाहो तो यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। यह दूसरा उपाय आप 2 चीज़ों के लिए कर सकते हैं, पर किसी समय जब आप उपाय करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ का ही भान करते हुए करना है। यह उपाय आप व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हैं, या फिर आप शीघ्र विवाह या फिर अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, पर आपको दोनों में से किसी एक चीज़ का भान करते हुए आपको यह उपाय करना है। और प्रदोष के दिन आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्रदोष के दिन कभी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। धतूरे को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि धतूरे की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद इसी धतूरे के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। इस जल का आचमन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। धतूरे पर आप जब जल अर्पित करेंगे तो आपको महादेव का एक नाम है, हाटकेश्वर महादेव, इनका स्मरण करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, महादेव का विशेष नाम का स्मरण करते हुए आपको जो धतूरा शिवलिंग के ऊपर है उस पर जल अर्पित करना है। महादेव का नाम है हाटकेश्वर महादेव। इसके बाद उस धतूरे को आपको अपने घर में लाकर लाल कपड़े में लपेटकर रख लेना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यह उपाय आप व्यापार वृद्धि के लिए करना चाहते हैं तो यह जो लाल कपड़े में आपने लपेटकर धतूरे को लाया है उसे आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर, जहां पर आप व्यापार करते हैं, वहां पर ले जाकर रखना है। आप वहां पर कहीं पर भी ऊपर कोने में बांध सकते हैं, लटका सकते हैं, या फिर अगर आप यह उपाय शीघ्र विवाह के उद्देश्य से करेंगे तो आप इस धतूरे को अपने घर पर लाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। घर में कहीं पर भी कोने में उसे बांध सकते हैं। मुख्य दरवाजे के ऊपर अगर कोई बांधने का स्थान है या फिर रखने का स्थान है तो वहां पर भी आप उसे रख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आपको व्यापार वाले स्थान पर, दुकान या फिर जो भी है आपका, वहाँ पर रखना है। और अगर
शीघ्र विवाह के लिए करना चाहते हैं तो उस धतूरे को लाकर अपने घर पर रखना है। जिसका विवाह चाहते हैं उसके घर पर आपको यह सामग्री को रखना है, मतलब जिस लड़के का आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, आप अपने बेटे का चाहते हैं या बेटी का चाहते हैं, तो आपको स्वयं के घर पर रखना है। बस इतना ही करना है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है या फिर व्यापार आगे बढ़ता है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई का झगड़ा चल रहा हो, किसी ने गलत केस लगा दिया हो, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही हो, तो प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक दूर्वा लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है, एक चावल का दाना लेना है। सभी पांच चीज़ों को आपको सिर्फ एक एक ही लेना है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को आपको रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, फिर से सुन लीजिए, रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, इन तीनों महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी की मिट्टी का उपयोग करते हुए, मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र के वृक्ष की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको एक गोल लिंग नुमा आकृति बना लेना है। पूरी पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप गोल लिंग नुमा आकृति भी बना देंगे तो भी पर्याप्त है। अगर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई शिवलिंग मिलती है, अगर कोई मंदिर है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, तो आपको गोल लिंग नुमा आकृति भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। सभी चीज़ों को आप बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, अक्षत, कनेर का पुष्प, सभी चीज़ों को आपको उसके ऊपर अर्पित कर देना है। सभी चीज़ें अर्पित करने से पहले आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। इस दीपक में आप गोल बाती या लंबी बाती दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो लंबी बाती भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो गोल बाती भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं तो इसमें हम गोल बाती का भी उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसमें लंबी बाती का उपयोग किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आप उसका विसर्जन वहीं पर जल के माध्यम से कर सकते हैं, मतलब जो गोल लिंग नुमा आकृति बनाई है आपने उसका विसर्जन आप वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो आप शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद सभी सामग्री, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है या गोल लिंग नुमा आकृति बनाई है तो उस पर भी जो जो आपने सभी सामग्री अर्पित की है, बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, अक्षत का दाना, कनेर पुष्प, सभी चीज़ों को आपको वापस प्राप्त कर लेना है। और प्राप्त करने के बाद आपको उसको घर पर लाकर रख देना है। 20 से 21 दिनों तक आप उसे अपने घर पर रख रहने दीजिए, किसी कपड़े में लपेटकर या फिर किसी कागज़ में आप अपने घर पर लाकर रख सकते हैं। और 21 दिनों तक रखे रहने दीजिए। 21 दिनों के बाद 22वां जो दिन होगा उस दिन आपको सभी चीज़ों का विसर्जन कर देना है। गुरुजी ने कहा है 20 से 21 दिनों में आपको आप पे जो केस चल रहा है, जो विपत्ति है, वह दूर होती हुई अवश्य नज़र आएगी। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियाँ होती है जैसे कि सोमवार, प्रदोष, मासिक, शिवरात्रि, इनमें करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और टाइप कीजिएगा। अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।